दोस्तों आज हम कारक पे चर्चा करेंगे। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सुने और देखें, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल में अगर आप देख रहे हैं वीडियो, या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इससे पहले जानकारी देना चाहूँगा, ये सब्सक्राइब का आइकॉन दिख रहा है, इस पर प्रेस कर दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और आपको जो है इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि मैंने अगला वीडियो कौन सा अपलोड किया है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ जो हिंदी व्याकरण जिसकी जिसको हिंदी व्याकरण की ज़रूरत है, ठीक है। धन्यवाद। हम बात करते हैं कारक की। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही जो है वो कारक कहलाता है। अब हम कारक को जानने के पहले थोड़ा सा विभक्ति पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विभक्तियाँ क्या होती हैं? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं जो ये कारक हैं, ठीक है, तो इनके जो हैं 8 भेद होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। तो जो कर्ता कारक है इसके साथ ने विभक्ति आती है, ठीक है। तो कर्ता कारक की जो पहचान होती है ने विभक्ति होती है, कर्म कारक की पहचान जो होती है को विभक्ति होती है, और करण कारक की पहचान जो होती है से के द्वारा, ठीक है। और संप्रदान कारक की जो है पहचान होती है को या के लिए विभक्ति, ठीक है। और अपादान कारक की जो पहचान होती है वो से विभक्ति होती है, और संबंध कारक की जो है पहचान होती है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ठीक है। ये संबंध कारक की जो है पहचान होती है। और अधिकरण कारक, ये बार बार एग्जाम में पूछता है अधिकरण कारक के बारे में, तो अधिकरण कारक की पहचान होती है वो में या पर विभक्ति होती है, ठीक है। और संबोधन कारक की विशेषता क्या होती है, पहचान क्या होती है? हे, अरे, ठीक है। तो संबंध कारक की पहचान जो होती है हे, अरे होती है विभक्ति। हम अब पहले कारक पर चर्चा करेंगे, कर्ता कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। इसका इसका जो विभक्ति होता है ने कभी कर्ता के साथ लगता है कभी नहीं लगता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जो है कर्ता के साथ जो है ने आए या ना आए, ठीक है। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ राम के साथ ने आया है, ठीक है। तो राम क्या है? कर्ता, इसके साथ ने विभक्ति आई है। मोहन खेलता है, यहाँ ने विभक्ति नहीं आई है। पक्षी उड़ता है, यहाँ भी जो है ने विभक्ति नहीं आई है, ठीक है। तो इन वाक्यों में राम, मोहन और पक्षी कर्ता कारक हैं, ठीक है। तो इन वाक्यों में राम, मोहन और पक्षी जो हैं वो कर्ता कारक हैं, राम, मोहन और पक्षी, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो राम क्रिया कर रहा है क्या? पुस्तक पढ़ने का क्रिया कर रहा है, और मोहन जो है वो खेलने की क्रिया कर रहा है, पक्षी जो है उड़ने की क्रिया कर रहा है, ठीक है। अगला है कर्म कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। तो कर्म कारक के साथ को विभक्ति आती है, ठीक है। तो कर्म कारक के साथ एग्जाम में पूछेगा कौन सी विभक्ति आती है, तो आप उत्तर देंगे को विभक्ति, तथा कभी कभी को विभक्ति का लोप भी हो जाता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि को विभक्ति आए कर्म कारक के बाद, ठीक है। कभी कभी आती, कभी कभी नहीं। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, यहाँ जो है श्याम जो है इसके बाद को विभक्ति आया। राहुल ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ नोट, यहाँ पे जो है कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे
राम ने रहीम से कहा, मोहन ने श्याम से पूछा, यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग अनुचित है, ठीक है। तो यहाँ अगर जो है से है, इसके जगह पे अगर हम को लगाते हैं तो ये अनुचित माना जाएगा, ठीक है। तो राम ने रहीम को कहा तो ये गलत लगेगा, तो राम ने रहीम से कहा ये सही वर्ड होगा। मोहन ने श्याम को कहा तो को गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ से लगाएंगे हमेशा, ठीक है। तो कहना और पूछना के साथ जो हमेशा से का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीसरा है करण कारक, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा विभक्ति है, ठीक है। तो जो करण कारक है इसकी मुख्य पहचान क्या है, से या द्वारा, ठीक है। तो करण कारक की जो मुख्य पहचान है से या के दो से या द्वारा, ठीक है। जैसे श्याम गेंद से खेलता है, ठीक है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है, ठीक है। अब बात करते हैं संप्रदान कारक की, ठीक है। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। जिसमें जो कर्म कारक हमने पढ़ा अभी, ठीक है, उसमें को आता है, ठीक है। तो इसमें लेकिन उसका अर्थ दूसरा होता है। तो इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है किंतु इसका अर्थ के लिए होता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बच्चे को मिठाई देती है। उपरोक्त वाक्यों में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चों को संप्रदान कारक है। अब बात करते हैं अपादान कारक की। तो अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप, करण कारक में भी से आता है और अपादान में भी से आता है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है तथा अपादान कारक में से विभक्ति का अर्थ अलग होना होता है, ठीक है। तो जो करण कारक होता है उसमें जो है से का मतलब जो होता है वो सहायता होता है, ठीक है। और अपादान कारक जो होता है उसमें से विभक्ति का अर्थ जो होता है अलग होना होता है। जैसे देखते हैं, उदाहरण समझ में आ जाएगा आपको, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। तो यहाँ बात कर रही है, मतलब यहाँ अलग होने की बात की जा रही है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकल रही है, ठीक है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ जो है वृक्ष से पत्ते के अलग होने की बात की जा रही है, तो यहाँ जो है अपादान कारक होगा। तो एग्जाम में आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि जो है यहाँ पे कहीं करण कारक तो नहीं, तो यहाँ नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जहाँ यहाँ अलग होने की बात की जा रही है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता, तो यहाँ अलग होने की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा, ठीक है। यहाँ से का मत से विभक्ति का मतलब होगा अपादान कारक से। घुड़सवार घोड़े से गिरता है, ठीक है, यहाँ भी जो है घोड़े से घुड़सवार गिर रहा है, यानी दोनों अलग हो रहे हैं, तो यहाँ गिरने की बात हो रही है, तो यहाँ भी जो होगा अपादान कारक होगा। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से तथा घोड़े से अपादान कारक हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है, हिमालय से, वृक्ष से और घोड़े से जो है, ये तीनों जो है अपादान कारक हैं। अब हम बात करते हैं संबंध कारक की, ठीक है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से किया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। और संबंध कारक की पहचान जो होती है वो का की के होती है, ठीक है। तो का की के जहाँ पे आए तो वहाँ संबंध कारक होगा। उदाहरण जैसे कि कमल की किताब मेज पे है, ठीक है, तो यहाँ की शब्द आ रहा है, तो की विभक्ति जो है ये आ रहा है, तो ये इसका मतलब जो है यहाँ पे संबंध कारक होगा, ठीक है। राम का घर दूर है, इन फूलों का रंग बहुत सुहाना है, ठीक है। तो इन वाक्यों में कमल की, राम का
फूलों का संबंध कारक होंगे। अब बात करते हैं अधिकरण कारक की। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी पहचान में या पर विभक्ति होती है, ठीक है। तो जहाँ में और पर विभक्ति आए वहाँ अधिकरण कारक होगा। उदाहरण देखते हैं, माँ घर पर है, तो यहाँ जो है पर विभक्ति आ रही है, ठीक है। तो जो घर पर है ये जो है अधिकरण कारक होगा। घोंसले में, यहाँ भी जो है देखिए में या पर में से एक आए तो यहाँ में आ रहा है, तो घोंसले में जो है वो अधिकरण कारक हो। तो घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है, देखिए पर आ रहा है यहाँ पे, तो सड़क पर जो है वो अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक होंगे। अंतिम है संबोधन कारक, ठीक है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान हे अरे विभक्ति से की जाती है। उदाहरण क्या होंगे इसके, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, ठीक है। अरे लड़के यहाँ मत देखो, तो यहाँ पे हे या अरे आ रहा है, ठीक है। ये दोनों विभक्ति जो है संबोधन कारक की पहचान है। तो जहाँ भी हे और अरे विभक्ति आएगी, जैसे हे प्रभु, अरे लड़के, हे स्वामी, तो ये सब जो है संबोधन कारक के जो है उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। तो संबोधन कारक की पहचान क्या है, हे अरे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। आपको ढूंढना न पड़े कि चैनल कहाँ गया, ठीक है। तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसी चैनल पर मुझे ये चीज़ मिलेगी। वैसे एक नाम से कई सारे चैनल्स होते हैं यूट्यूब पे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी ढूंढने में। तो वीडियो को लाइक करें, इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करके पहुंचाएं उन लोगों तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चैनल का नाम है एग्ज़ाम गुरु, ठीक है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।